अरे करमचली कहां मर गई, सुबह से उल्टियां कर रही है। माँ जी कहीं पूनम माँ तो नहीं बनने वाली? कैसी बातें कर रही हो बहू, सोच समझ कर तो बोला करो। डोली आते ही इसके मनहूस कदम पड़े और सूरज को हार्ट अटैक आ गया, फिर कैसे बच्चा आ सकता है इसकी कोख में। पूनम की शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर शादी के बाद जब पूनम की डोली घर आई तो आते ही पूनम के पति सूरज की तबीयत खराब हो गई और अचानक ही उसका देहांत हो गया। पूनम पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूनम और सूरज एक दूसरे को पहले से जानते थे, ये बात घर वालों को नहीं पता थी। शादी से पहले ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और शादी के तुरंत बाद ही ये हादसा हो गया। पूनम किसी को भी कुछ नहीं बता पाई क्योंकि वो भी इस बारे में नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो चुकी है। पूनम अपनी सास को सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, पर ना तो उसकी सास इस बात को समझती है और ना ही उसके जेठ जेठानी। माँ, अगर समाज में किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी, आपको पता भी है। चिंता मत कर बेटा, मैंने ऐसी दवाई का इंतजाम कर लिया है जिसे पीते ही इसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाएगा। तभी पूनम ये बात सुन लेती है और रोने लगती है। नहीं माँ जी, मैं कोई दवाई नहीं पीऊंगी, ये बच्चा मेरे और सूरज के प्यार की निशानी है, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। तुम दोनों जरा इसका हाथ पकड़ो, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं पीती ये दवाई। पूनम की जेठानी और जेठ उसके हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं और उसकी सास उसे जबरदस्ती बच्चा गिराने की दवाई पिला देती है। पूनम का गर्भ गिर जाता है, उसे अब जीने की कोई वजह नहीं मिल रही थी, इसलिए रात को सबके सो जाने के बाद वो घर छोड़कर भाग जाती है। भागते भागते पूनम एक जंगल में पहुंचती है। हे भगवान, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मेरे होने वाले बच्चे को मुझसे छीन लिया गया, अब मैं जीकर क्या करूंगी। हाँ हाँ, अब मुझे मरना ही होगा। पूनम जंगल में बने कुएं में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। पूनम पीछे मुड़कर देखती है, एक पेड़ के पास एक औरत जख्मी हालत में पड़ी हुई है। पूनम उसके पास जाती है। अरे कौन हो तुम, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? बहन, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, मेरे पति को गांव वालों ने मार दिया और अब वो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैं अपने पति के साथ ही गुफा में रहती थी और एक दिन गांव वालों की नजर मुझ पर और मेरे पति पर पड़ गई और उन्होंने मेरे पति को मार दिया। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, पर मैं किसी तरह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसलिए उनसे बचकर मैं यहाँ आ तो गई, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच सकती हूँ। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं एक गर्भवती नागिन हूँ। मैं अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है बहन, तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया गया, उसी तरह आज मेरी कोख भी उजड़ने वाली है। अगर मैं मर गई तो मेरे साथ मेरे निर्दोष बच्चे का भी अंत हो जाएगा, पर अगर तुम चाहो तो मेरे बच्चे को बचा सकती हो। मैं अपनी शक्तियों के द्वारा अपनी कोख तुम्हें दे सकती हूँ, फिर तुम मेरे बच्चे को जन्म देकर उसे बचा सकती हो, तुम उसकी माँ बन सकती हो। बोलो बहन, तुम बनोगी ना मेरे बच्चे की माँ, मुझ पर उपकार कर दो बहन, मेरे बच्चे को बचा लो। औरत के रूप में इच्छाधारी नागिन बहुत रोती है। पूनम इस हादसे से गुजर चुकी थी, वो जानती थी कि एक माँ का दर्द क्या होता है। पूनम का बच्चा तो उससे छिन गया था, वो नहीं चाहती थी कि एक मरती हुई माँ के साथ एक निर्दोष बच्चा भी मर जाए, वो ये नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उस इच्छाधारी नागिन की बात मान ली। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों के द्वारा अपने आने वाले बच्चे को पूनम की कोख में डाल देती है और एक दर्द भरी आवाज के साथ इस दुनिया से चली जाती है। पता नहीं नागिन के बच्चे के कोख में आते ही पूनम में न जाने कौन सी शक्ति आ जाती है, वो बिना घबराए चुपचाप घर आती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। पर धीरे धीरे पूनम का पेट बढ़ने लगता है, जिसे देखकर उसकी जेठानी और सास हैरान रह जाते हैं। माँ जी, आपने कौन सी दवाई पिलाई थी इसे, इसका तो बच्चा गिरा ही नहीं, ये तो 6-7 महीने पेट से लग रही है। पता नहीं, उस औरत ने तो मुझे यही दवाई दी थी, पर अब क्या करें? करना क्या है, अब आने वाले बच्चे का इंतजार करो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो पूनम बच्चे को जन्म देकर ही रहेगी। हे भगवान, अगर मेरे पेट से नागिन पैदा हो गई तो लोग उसे पैदा होते से ही मार देंगे, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
पूनम डरते डरते अपनी गर्भावस्था के दिन काट रही थी और वो दिन आ ही गया जब पूनम को बच्चा पैदा हुआ। पूनम को जब होश आया तो उसने अपने बराबर में एक बच्ची को लेटा हुआ पाया। बधाई हो बहू, तुमने बेटी को जन्म दिया है। बेटी? हाँ हाँ, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे घर की औलाद नहीं है ये। वो तो हम तेरे ऊपर तरस खाकर तुझे इस घर से नहीं निकाल रहे हैं, पर तू ये मत समझना कि हमने तेरी बच्ची को अपना लिया। जो भी खर्चा उठाना है इस बच्ची के, तू खुद उठाएगी। इस घर से तुझे दूध की एक बूंद के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ पर माँ जी, इसके तो दूध उतरा ही नहीं, फिर ये बच्ची को क्या पिलाएगी? उतरेगा कैसे जब मन में कपट हो तो, कोई काम ठीक नहीं होता। चलो बहू, पड़ी रहने दो इसे अपनी बच्ची के साथ। पूनम की सास और जेठानी कमरे से बाहर चली जाती हैं। पूनम बच्ची को जैसे ही गोद से नीचे उतारकर पलंग पर लिटाती है, बच्ची नागिन के रूप में आ जाती है। पूनम घबरा जाती है, तभी नागिन बच्ची बोलने लगती है। माँ घबराओ नहीं, तुम मेरी माँ हो, तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बस मुझे दिन में एक बार अपने इस रूप में आना पड़ता है। इतना कहते ही वो नागिन बच्ची फिर से बच्ची के रूप में आ जाती है और पूनम को देखकर मुस्कुराने लगती है। पूनम को भी अपनी बच्ची पर प्यार आ जाता है और वो उसे खूब प्यार करती है। अपनी बच्ची को पालने के लिए पूनम ने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बच्ची का पालन पोषण कर सके। पूनम ने अपनी बच्ची का नाम छाया रखा। अपनी माँ के कहने पर छाया कभी भी किसी के सामने नागिन रूप में नहीं आती थी। धीरे धीरे छाया बड़ी हुई और उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। पंकज नाम का एक लड़का छाया को बहुत पसंद करता था। पंकज छाया से बात करने की कोशिश करता तो छाया उसे जानबूझकर मना कर देती, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक साधारण लड़की नहीं है। छाया, मुझमें क्या कमी है जो तुम मुझे बार बार इग्नोर कर देती हो? मुझे सच्चाई तो बताओ, मैं अपने आप को उस काबिल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा जैसा तुम चाहती हो। ऐसी बात नहीं है पंकज, तुम तो इतने अच्छे हो कि तुमसे तो कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी, पर मेरी कुछ पर्सनल मजबूरी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इतना कहकर छाया घर आ जाती है। उस दिन छाया को नागिन बनना था क्योंकि वो दिन में एक बार नागिन जरूर बनती थी। पूनम घर पर नहीं थी। छाया ने अपना दरवाजा बंद किया और नागिन के रूप में आ गई। अचानक पूनम की सास यानी कि छाया की दादी की नजर उस पर पड़ गई और वो छाया को नागिन के रूप में देखकर चीख पड़ी। अरे कोई बचाओ, पूनम के कमरे में नागिन है, नागिन, कोई सपेरे को बुला कर लाओ, वो इस नागिन को पकड़ कर ले जाएगा। माँ घबराओ नहीं, मैं सपेरे को अभी बुला कर लाता हूँ, कोई भी कमरे के अंदर मत जाना। सपेरे को देखकर छाया घबरा जाती है। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। छाया तो नागिन थी, वो बीन की धुन पर मदहोश हो जाती है। तभी पूनम भी आ जाती है। बंद करो ये बीन की धुन। माँ जी, ये सपेरे को क्यों बुलाए हैं? अम्मा जी, आपकी पोती नागिन है नागिन, मैं अभी इसे नागिन रूप में लेकर आता हूँ, मैं इसे पहचान गया हूँ, ये इच्छाधारी नागिन है। क्या, इच्छाधारी नागिन और हमारे घर में? इसे पकड़ कर ले जा, जल्दी से ले जा इसे, हमें अपने घर में नहीं रखना है ये नागिन। नहीं माँ जी, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। छाया चल बेटी, हम कहीं दूर चलते हैं। सपेरा बीन बजानी शुरू कर देता है। पूनम रोती चिल्लाती रहती है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। छाया नागिन बनने ही वाली थी। सपेरा बीन बजाता जा रहा था तभी छाया की नागिन माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। बेटी छाया, मैं तुम्हें नागिन योनि से मुक्ति देकर एक साधारण लड़की के रूप में बदल रही हूँ, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। और फिर सब देखते रह जाते हैं। छाया एक साधारण लड़की के रूप में आ जाती है। सपेरे की बीन का उस पर कोई असर नहीं होता, पर उस दिन पूनम अपनी बेटी छाया के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है और सुकून की जिंदगी बिताने लगती है। छाया पंकज को शादी के लिए हाँ कह देती है और अपनी माँ पूनम से मिलवाती है। पूनम अपनी बेटी छाया की शादी पंकज के साथ करके अपने माँ होने का फर्ज निभाती है। रवि बहुत सालों बाद अपने गांव धर्मपुर वापस आया था। उसकी माँ यशोदा इस बात से बहुत खुश थी।
रवि बेटा, आज तो कितने सालों बाद गांव वापस आए हैं। तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है, अब एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह कर दूं तो मुझे भी शांति मिले। माँ, अभी मैं कोई शादी के झंझट में नहीं फंसने वाला। अभी मुझे पिताजी का गांव में स्कूल खोलने का सपना पूरा करना है। इसी सिलसिले में मैं सेठ ज्ञानचंद जी की जमीन देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ रवि बेटा, तेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी जो वो बीमारी के चलते पूरी नहीं कर पाए थे, वो थी गांव में स्कूल बनाना। मुझे खुशी है कि तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करने जा रहा है। रवि अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो सेठ ज्ञानचंद के साथ जमीन देखने के लिए जाता है। रवि बेटा, ये जमीन देख लो, फिर हम सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी, मुझे ये जमीन। अरे, ये किसकी आवाज है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझ बदमाश से शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो बिल्ला को तेरे से शादी करने से रोक सके। क्यों भाई, जब एक लड़की कह रही है कि उसने तुमसे शादी नहीं करनी तो क्यों उससे बेकार जबरदस्ती कर रहे हो? अब तू कौन है जो यहाँ मरने चला आया? बिंदिया से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? मैं तुझे रोक सकता हूँ, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। रवि और बिल्ला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि बिल्ला को बुरी तरह से मारता है। बिल्ला घायल होकर बेहोश हो जाता है। सेठ ज्ञानचंद जी, पुलिस को फोन करके बिल्ला को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। अब रवि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम इस गाँव में अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता या कोई रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता। रवि बिंदिया को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। पर रवि बेटा, हम कब तक एक जवान और अकेली लड़की को अपने घर रख सकते हैं? माँ, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है, मैं बिंदिया से कल ही शादी करूंगा। अगले दिन रवि बिंदिया से मंदिर में शादी कर लेता है। बिंदिया शादी के बाद रवि और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर एक रात, अरे पानी रखना भूल गई, बहुत प्यास लग रही है, रसोई से पानी पीकर आती हूँ। हे भगवान, सांप, सांप! रवि, रवि बेटा बचो, तुम्हारे कमरे में सांप है। कहाँ माँ, सांप कहाँ है? वो बाथरूम की ओर गया है। क्या हुआ माँ जी, आप घबरा क्यों रही हो? आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। विद्या बहू, तुमने बाथरूम में कोई सांप नहीं देखा? नहीं माँ जी, बाथरूम में तो कुछ नहीं था। रवि की माँ पूरी तरह से डर चुकी थी, उसने जिस सांप को देखा था उसका ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा था। रवि की माँ को यह गलतफहमी एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि घर में सांप है। आज रात मैं जाग कर देखूंगी, मुझे सच जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सांप क्यों नजर आ रहा है, वो रहा सांप, देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है। अरे ये तो रवि के बिस्तर पर चढ़ रहा है, ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, इस सांप ने तो बिंदिया बहू का रूप ले लिया। हे ईश्वर, इसका मतलब बिंदिया बहू एक नागिन है। माँ जी रुकिए, रुकिए माँ जी, घबराइए नहीं, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। नहीं, तू एक नागिन है, दूर हट, तू मुझे डस लेगी, मैं रवि को सब सच बता दूंगी। रवि बेटा, रवि! माँ जी, आप जानती हो रवि आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, मुझे नागिन बनते सिर्फ आपने देखा है, रवि ने नहीं, इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। माँ जी याद कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आप रवि को लेकर मंदिर गई थी और वहाँ पर रवि को एक नाग ने काट लिया था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने काट लिया है। वो सामने पेड़ के नीचे पहुँचे हुए सपेरे बाबा बैठे हैं और वही आपके बेटे की जान बचा सकते हैं। बाबा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को नाग ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, मेरी बीन की धुन सुनकर नाग अपने आप जहर चूसने आ जाएगा। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है, नाग वापस आकर रवि के पैर से सारा जहर खींच लेता है और जंगल की ओर गायब हो जाता है। रवि ठीक हो जाता है। माँ जी, मैं उसी नाग की पत्नी हूँ, मेरे नाग की जान आपके बेटे में है, क्योंकि उस दिन मेरे नाग ने अपनी जान आपके बेटे में डाल दी, पर मेरा पति नाग नहीं बच पाया, इसीलिए मैं आपके बेटे का पीछा करती हुई इस गांव तक आई थी ताकि मैं आपके बेटे को जान से मार सकूं। पर आपके बेटे ने मेरी इज्जत और जान बचाई, वो बहुत भले दिल के हैं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनी पत्नी बनाया, इसलिए मैं अपनी सारी दुश्मनी भूल गई और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब आप सो जाइए, कहीं रवि जाग न जाए। मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ करना होगा, मुझे उन सपेरे बाबा को दोबारा बुलाना होगा। रवि की माँ उसी सपेरे के पास जाती है और सारी बात बताती है। उस नागिन के पास नागमणि है, मुझे उसी की तलाश है। माताजी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा,
और उस नागिन को पकड़ लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा, वो नागिन मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ गई है। अब सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हो, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सपेरा रवि के घर पहुंचता है। वीर की आवाज सुनकर बिंदिया घबराहट में आ जाती है। माँ जी, आपने इस सपेरे को क्यों बुला लिया? ये सपेरा मेरी नागमणि चाहता है, इसकी वजह से मेरी जान को खतरा है, ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो अच्छी बात है ना, पकड़ कर ले जाए, मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे होने से मेरे बेटे की जान को खतरा है। बाबा जल्दी से इस नागिन को पकड़ लो। नहीं, मैं नागिन रूप में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रवि, रवि मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है माँ? ये कौन है और ये जबरदस्ती बिंदिया को अपने साथ ले जा रहा है, और तुम देख रही हो मैं वक्त पर ना आता तो ये बिंदिया के साथ न जाने क्या सलूक करता। तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो वो एक नागिन है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश तो अब तेरा होगा, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही रवि सपेरे को पकड़ने लगता है, सपेरा बीन बचाने लगता है और बिंदिया धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाते हैं। रवि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिंदिया रोते हुए रवि को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदिया, तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी, पर अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूप में रहने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अब माता जी, इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ। इसलिए अब मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी शक्तियों से बिंदिया को नागिन से साधारण मनुष्य बना दूंगा। सपेरा कुछ मंत्रों से बिंदिया को साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। बिंदिया अब नागिन नहीं थी, वो हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ गई थी। बिंदिया की सास रवि और बिंदिया को गले से लगा लेती है। उसके बाद रवि अपने स्वर्गवासी पिताजी का अधूरा सपना पूरा करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है।